ऑल राइट, एम आई ऑडिबल? राइट, ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम करेंगे, विच इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर टू इट सेल्फ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. एंड दिस इज योर, द टॉपिक इज पॉइजन प्रोसेस. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड एट द सेम टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. तो हमने इसमें हम पूरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैसे हम उसको यूज करते हैं. सो हमने इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, दोज हू रिमेम्बर, वॉज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब यूजली हम लोग अराइवल रेट मेजर करते हैं, क्लेम्स अराइवल, कुछ भी आने का, ट्रेन आने का, कॉल्स आने का, इसका हम मॉडल करते हैं यूजिंग पॉइजन. राइट, सो इफ यू ऑल रिमेम्बर, एक्स फॉलोज पॉइजन लैम्डा अगर हम लोग बोलते थे. सो वॉट इज द पीडीएफ, और वी डोंट कॉल इट पीडीएफ, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं, नॉट डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी इज इन योर कंटिन्यूस. तो यहां पर क्या हो जाता है, लैम्डा टू द पार एक्स, इफ यू ऑल रिमेम्बर, एक्स फैक्टोरियल ई टू द पार माइनस माइनस लैम्डा, वेर योर एक्स का वैल्यूज गोज फ्रॉम 1 to ... पूरा इन्फिनिटी तक. राइट, सो इफ यू ऑल रिमेम्बर, हमने इसमें क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ इवेंट्स विच अकर्स पर यूनिट टाइम. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू कि लेट्स सपोज इंश्योरेंस क्लेम्स आ रहे हैं एट द रेट ऑफ, y लिखा है मैंने, आप x भी लिख सकते हो, इंश्योरेंस क्लेम्स आर कमिंग एट द रेट ऑफ 10 per week. So what is the rate at which you will be receiving per day claims? कैसे निकालेंगे बताना? Per day कितने आएंगे claims आपके? Poison क्या follow करेगा? अगर ये 10 per week है तो per day क्या हो जाएगा बताना? Yes? बोलो. वेरी गुड, 10/7 हो जाएगा, हमने ये पढ़ा है. राइट, सो इट इज अ वेरी जेनरल वे ऑफ सेइंग, हम लोग बेसिकली पॉइजन प्रोसेस में देखेंगे अराइवल रेट अप टिल टाइम टी. ठीक है, अराइवल रेट अप टिल टाइम टी. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू दैट एक्स फॉलोज पॉइजन लैम्डा, देन एक्स टी फॉलोज पॉइजन लैम्डा टी. इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोल रहे हैं एक्स फॉलोज, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया 10 claims per week, तो 7 1 day में आपका 1 day में कितना क्लेम्स आया? 10/7. तो आपने 1/7 से अगर आप वीक को कैसे मेजर करो, ये आपने पर वीक बोला था ना, ये आपने पर वीक बोला, अभी आपने पर डे कर दिया, तो आप कैसे मेजर करो? एक पूरे वीक को 1 मान रहे हो ना, एक पूरे वीक को अगर 1 मान रहे हो तो 1 day को क्या मानोगे? 1/7 मानोगे, तो 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट इज वाई वी जस्ट मल्टीप्लाई इट विद अ टी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू 1 year में 365 क्लेम्स आ रहे हैं, तो 1 day में कितने क्लेम्स आएंगे, आप क्या करोगे? वॉट इज योर टी यहां पे? 1 day. राइट, अगर 365, अगर मैं बोल रही हूं, लेट्स सपोज ऐसे करते हैं 1 year, ठीक है, 1 year में लेट्स सपोज 365 क्लेम्स आ रहे हैं, 1 year में 365 क्लेम्स है, तो आपका टी, अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 day में कितने क्लेम्स आएंगे, तो आप टी कैसे निकालोगे? टी इज 1/365, क्योंकि आप 1 year वाइज मेजर कर रहे हो ना, तो आपका लैम्डा टी क्या हो जाएगा? लैम्डा टी हो जाएगा 365/365. प्लीज बी ऑन म्यूट, प्लीज बी ऑन म्यूट अमंग, क्लियर? ये यहां यहां कोई किसी को डाउट है प्लीज देख लो एक बार, इसमें किसी को कोई डाउट है? सो ये एक हम लोग का तरीका है लिखने का, दैट इफ एक्स फॉलोज लैम्डा, देन यू से दैट एक्स टी फॉलोज लैम्डा टी, देन इन दैट केस एक्स टी इक्वल्स एक्स. मतलब इसका क्या मीनिंग हुआ कि टी टाइम यूनिट्स में अगर आप मेजर करो, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एक्स क्लेम्स, दिस स्मॉल एक्स इज अ वैल्यू, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दिस. तो आप बस कुछ नहीं करना, जैसे आप लैम्डा लिख रहे हो, लैम्डा की जगह पे आपको लैम्डा टी लिखना है. ठीक है, एक्स फैक्टोरियल ई टू द पावर माइनस
lambda t, again your x can be 0, 1, 2 and dot dot dot. Dekh lo, if you have any problem, isme pooch lo. Theek hai? Done. Ab heading dena, deriving the Poisson process formula. Deriving the Poisson process formula. ठीक है, हाँ बोलो. ये डिस्क्रीट का ही है ना, पॉइजन इज डिस्क्रीट, नॉट ऑल, ओनली पॉइजन. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पॉइजन. यू कैन नॉट मिक्स, इट इज ओनली फॉर पॉइजन, नॉट ऑल. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का जो पूरा पॉइजन प्रोसेस है, कैसे हम लोग उसको डील करते हैं, हम लोग वो देखेंगे. अब यहां पे आप लोग सबसे पहले तो ऊपर लिखो, डिफाइन करो एनटी, जैसे अभी तक एक्सटी बोल रहे थे, अब एनटी बोल रहे हैं, बिकॉज यूजुअली पॉइजन प्रोसेस नंबर ऑफ इवेंट्स के लिए होता है, तो इंस्टेड ऑफ एक्स हम लोग एन से उसको डिनोट करते हैं. तो लिखो एनटी के लिए, लिखो एनटी के लिए, डिफाइन करो एनटी को, पॉइजन प्रोसेस, इट इज अ पॉइजन प्रोसेस, दैट इज नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन अ स्मॉल टाइम टी, नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन द स्मॉल टाइम टी. ठीक है, अब पॉइजन प्रोसेस को ना हम लोग काउंटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमने देख लिया कैसे हम काउंटिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इवेंट्स इज द मेजर इंटरेस्ट हम लोग का यहाँ पे, दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ काउंटिंग इवेंट. नाउ हम लोग जब भी यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं नंबर ऑफ इवेंट्स अप टिल टाइम इन टाइम टी, व्हाट यू आर सेइंग इज टाइम जीरो से टाइम टी के बीच में, और यू कैन जस्ट मे बी नॉट, हाँ मतलब फॉर एग्जाम्पल वन डे, तो टाइम जीरो से वन, मतलब वन डे में आपके कितने इवेंट्स हो रहे हैं, तो आप लोग लिखो, अब ऊपर में एक लाइन लिखो इधर, द नंबर ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस, द नंबर ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन द टाइम इंटरवल जीरो टू टी, ऐसे लिखना कॉमा, उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, NT वो है ना, नंबर ऑफ इवेंट्स इन टाइम T, वे T शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. सो लिखो वापस से, मैं रिपीट कर रही हूं, द नंबर ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन टाइम इंटरवल जीरो टू T, NT T ग्रेटर देन जीरो, मस्ट सैटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, must satisfy the following conditions. कितने बजे था क्लास, क्या था, हम भी वहीं से आए हैं तो जल्दी निकलना चाहिए था. टेन थर्टी पे तुम निकला ही होगा घर से. ठीक है, फटाफट आओ, लिखो, मिस हो गया तुम लोग का, थोड़ा कवर कर लेना बाद में. ठीक है, हम लोग पॉइजन प्रोसेस ही करें, द नंबर ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन द टाइम इंटरवल जीरो टू टी, एन टी, टी ग्रेटर देन जीरो, मस्ट सैटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस. पहला कंडीशन लिखो एन जीरो, पहले एक बार लिख लो फिर मैं सारे डाउट्स लूंगी. एन जीरो इक्वल्स टू जीरो, फॉर एनी टी ग्रेटर देन जीरो, फॉर एनी टी ग्रेटर देन जीरो, एन टी मस्ट बी
इंटीजर। फॉर टी ग्रेटर देन जीरो एन टी मस्ट बी एन इंटीजर वैल्यू। पार्ट थ्री लिखो, फिर मैं समझाऊंगी कि करके सारा। व्हेन एस इज लेस देन टी, बोथ एस एंड टी आर टाइम, वन डे टू डे वैसा। अगर एस इज मतलब एस सपोज हो गया वन डे एंड टी हो गया 3 डेज, ठीक है, तो एस लेस देन टी, इन दैट केस ऑब्वियसली एन एस शुड बी लेस देन एन टी, क्योंकि हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं एन टी को, नंबर ऑफ इवेंट्स बिटवीन टाइम जीरो एंड टी। तो अगर मैं बोल रही हूं कि यहां पे जीरो, यहां पे एस एंड यहां पे टी है, तो नंबर ऑफ इवेंट जो यहां अकर हुए हैं वो ऑब्वियसली कम होंगे ना, इन ड्यूरेशन कम होंगे या इक्वल भी हो सकते हैं। मे बी इन दोनों में कोई इवेंट अकर ही नहीं हुआ एस एंड टी के बीच में, ठीक है। सो लिखना दैट इज द नंबर ऑफ इवेंट्स ओवर टाइम इज नॉन डिक्रीजिंग। द नंबर ऑफ इवेंट्स ओवर टाइम इज नॉन डिक्रीजिंग। पार्ट फोर लिखो, व्हेन एस इज लेस देन टी देन एन टी माइनस एन एस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन द टाइम इंटरवल एस कॉमा टी। नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन द टाइम इंटरवल एस कॉमा टी। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखवाया है ना, ये इन जनरल फॉर ऑल द काउंटिंग प्रोसेस ट्रू रहता है, कि हम अज्यूम करते हैं टाइम जीरो पे कोई इवेंट्स अकर नहीं हुआ है। सो एन जीरो इक्वल्स टू जीरो। टी ग्रेटर देन जीरो मतलब एनी टाइम, वन योर, वन आवर, वन मिनट, वट एवर विच इज ग्रेटर देन जीरो, दिस ऑब्वियसली मस्ट बी एन इंटीजर। यू कैन नॉट हैव 2.3 क्लेम्स, यू कैन नॉट हैव 4.6 डेथ्स, बिकॉज इट्स अ काउंटिंग प्रोसेस, इट्स एन इंटीजर, इट हैज टू बी एन इंटीजर। देन एस इज लेस देन टी, एस इज लेस देन टी का मतलब एस छोटा टाइम, ये दोनों टाइम मेजर कर रहा है, छोटा टाइम बड़ा टाइम, जैसे मैंने यहां दिखाया। तो ऑब्वियसली अगर एस तक दो डेथ्स हुए हैं तो टाइम टी तक वन डेथ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो एन एस शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू योर एन टी। अनदर थिंग, इफ एस इज लेस देन टी तो एन टी माइनस एस, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये जीरो, ये एस, ये टी, तो ये वाला पार्ट इज बेसिकली आपका द नंबर ऑफ इवेंट्स विच इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द टाइम इंटरवल एस कॉमा टी, एंड उसको कैसे डिनोट किया जाता है, एन टी माइनस एन एस करके। इज दिस क्लियर, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो द इवेंट नंबर प्रोसेस, द इवेंट नंबर प्रोसेस एन टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ऑब्वियसली योर टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, इज डिफाइंड टू बी अ पॉइजन प्रोसेस, इज डिफाइंड टू बी अ पॉइजन प्रोसेस विथ पैरामीटर लैम्डा, विथ पैरामीटर लैम्डा इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर मेट, इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर मेट। ठीक है, तो भी कौन से कंडीशंस होंगे, पहला कंडीशन लिखो, अगेन एन जीरो शुड बी इक्वल टू जीरो एंड एन एस शुड बी लेस देन इक्वल टू एन टी वेन योर एस इज लेस देन टी। ठीक है, तो पहला दोनों कंडीशंस को हमने साथ में डाल दिया, पहला दोनों नहीं, इनफैक्ट फर्स्ट एंड थर्ड को। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो ये वाला, अब जो मैं लिखवा रही हूं इसको मैं समझाऊंगी, पहले आप लोग लिख लो। लिखना प्रोबेबिलिटी एन टी प्लस एच, ये एच है, इक्वल्स आर
given NT equals R is equal to 1 minus lambda H plus OH, probability NT, ये लिख लो फिर मैं समझाऊंगी, एक बार के लिए देखने में अजीब लग रहा होगा बट कुछ नहीं है, बहुत इजी है. ओ ब्रैकेट में एच है, ठीक है. ग्रेटर देन होगा ये. इसके नीचे लिखो एक नोट, द फंक्शन एफ एच, आप एफ एक्स को क्या करते हो, एक फंक्शन होता है विच इज इन टर्म्स ऑफ एक्स, तब एफ एक्स लिखते हैं ना, तो यहाँ एच लिख रहे हैं. एच मतलब एक फंक्शन विच इज इन टर्म्स ऑफ एच वेरिएबल. एफ एच इज डिस्क्राइब्ड टू बी ओ एच इफ लिमिट एच टेंस टू जीरो ओ एच बाय एच इज इक्वल टू जीरो. पहले इसको समझ, थर्ड पॉइंट लिख लो फिर मैं समझाऊंगी कि थर्ड पॉइंट बहुत छोटा सा है. थर्ड पॉइंट लिखना, व्हेन एस लेस देन टी, आई विल गिव यू ऑल टाइम टू राइट आल्सो, व्हेन एस इज लेस देन टी द नंबर ऑफ इवेंट्स इन द टाइम इंटरवल एस कॉमा टी, द नंबर ऑफ इवेंट्स इन द टाइम इंटरवल एस कॉमा टी is independent of number of events up to time s. ठीक है, इसको एक और तरीके से यहां पे ब्रैकेट में डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स दैट अकर, नंबर ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन सेपरेट, दैट इज नॉन ओवरलैपिंग टाइम इंटरवल्स are independent of one another. ठीक है, अब can you please repeat the last point? लास्ट पॉइंट में मैंने बोला है नंबर ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन नॉन ओवरलैपिंग टाइम इंटरवल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर. समझाऊंगी इसको. एस के लिए सर्कल है, मतलब राउंड ब्रैकेट है, और टी के लिए स्क्वायर ब्रैकेट है. ठीक है, चलो अब ये जो है ना, ये वाला तीनों, पहले तो एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले ये जो OH है, ये ना आप लोग कैसे समझोगे, क्योंकि इसको हम लोग मोस्टली CS2 में बहुत ज्यादा यूज करते हैं. H जो H डिफाइन होता है वो होता है फॉर अ वेरी 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 शॉर्ट टाइम इंटरवल, मतलब ऐसे इंस्टेंट, ठीक है, मिली सेकेंड्स के लिए यूजुअली हम लोग, पर एच कैन बी एनीथिंग, कभी एच वन डे हो गया, कभी एच आपका वन आवर हो गया, वन मिनट, वट एवर, इट इज वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल. तो एनी फंक्शन इज एन ओ एच. क्या है ओ एच? ऐसा कुछ पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, एनी फंक्शन कैन बी अ ओ एच. ठीक है,
एनी फंक्शन कैन बी एन ओ एच. तो हम लोग ना प्रॉपर्टीज ऑफ ओ एच भी पढ़ते हैं, बट दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस. हम लोग सी एस टू में पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ओ एच. आप लोग को मैं ऊपर ऊपर से समझाती हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू ऑल शुड नो. तो एनी फंक्शन को ओ एच बोल सकते हैं गिविन कि जब आप ये उसको सॉल्व करो. लिमिट एच टेंस टू जीरो का मतलब कि एच बहुत छोटा और है, वो जीरो को टेन करे, तो ओ एच बाय एच, ओ एच इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एच, विल बी इक्वल टू जीरो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एकदम बेसिक एग्जाम्पल लू, तो लेट्स सपोज 100 एच टू दी पार माइनस एच टू दी पार लेट्स सपोज 10,000, ऐसा कुछ. तो ये अगर एक फंक्शन हुआ ना इन टर्म्स ऑफ एच, तो इसको अब अगर आप लिमिट्स के टर्म में सॉल्व करोगे, लिटरली नहीं बट अगर इसको सॉल्व करोगे, तो अगर लेट्स सपोज आप ये करते हो, तो आपका ये क्या आता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो 100 एच टू दी पार 9999, ऐसा आएगा. तो ऑब्वियसली ये तो जीरो ही होगा ना, अगर एच टू दी पार इतना है, आप जीरो डाल रहे हो. तो हेंस दिस बिकम्स एन ओ एच फंक्शन, एनी फंक्शन विच विल गिव यू अ जीरो, मतलब लिमिट डालने से. अब ना ये बहुत ही मतलब हम लोग कभी कभी बहुत ही सब्जेक्टिव अप्रोच यूज करते हैं. हो सकता है कि आपका फंक्शन एच टू दी पार 2 है प्लस एच प्लस समथिंग, तो हो सकता है वो एग्जैक्ट एकदम जीरो ना मिले बट वेरी शॉर्ट. तो इसीलिए आप लोग के केस में आप लोग को बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं करना ओ एच. कंसिडर करो ओ एच टू बी अ फंक्शन जो बहुत छोटा है, जिसका सिग्निफिकेंस कुछ है नहीं. तो जब आप ये लिख रहे हो, मतलब इसका सिग्निफिकेंस कुछ एज सच है नहीं. इट्स अ प्रोबेबिलिटी विच इज वेरी 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 एक्सट्रीमली क्लोज टू जीरो. ठीक है, अब इससे फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है सबको कि टाइम जीरो पे आपका जीरो होना चाहिए, एंड दिस वी हैव ऑलरेडी डन. अब सेकंड पॉइंट ना एक एक करके अगर समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एन टी, नंबर ऑफ इवेंट्स टिल टाइम टी. सो व्हाट डू यू मीन बाय एन टी प्लस एच, नंबर ऑफ इवेंट्स अप टिल टाइम टी प्लस एच, वेर एच इज अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल. तो आप ही सपोज जीरो बोल रहे हो, ये आपका टाइम टी है, एंड एकदम शॉर्ट में टी प्लस एच लिख रही हूं मैं, येस और नो बोलो. तो अब इसका लॉजिक क्या है कि करके समझते हैं. यहां हम लोग पहले वाला में फटाफट आओ. अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, एन टी प्लस एच इज इक्वल टू आर. आर इज अ नंबर, मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स जो हुए हैं. गिवन प्रोबेबिलिटी गिवन एन टी इक्वल्स टू आर का क्या मतलब है बोलो, कि यहां तक कितने इवेंट्स हो गए हैं, आर इवेंट्स हो गए हैं. ये गिवन है ना, ये गिवन है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन टी प्लस एच, मतलब ये पूरा प्रोबेबिलिटी एन टी प्लस एच विल आल्सो बी आर, इसका ये मीनिंग है. ये चीज क्लियर है सबको, एक बार यस लिख दो. यहां तक क्लियर है तो कोई भी डाउट है तो पूछो, वरना क्लियर है सब लोग यस लिखो. कुछ नहीं होगा, हाँ वही करेंगे अभी. ठीक है, तो इसका अब ये पॉसिबल कब है, जब यहां पे आपके जीरो इवेंट्स हुए हो. क्लियर, यहां आपके कितने हुए हो, जीरो इवेंट्स. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग जीरो इवेंट्स इन दिस कैसे निकालेंगे, इसको बताओ. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग जीरो इवेंट्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या मीनिंग है. नीचे आ जाओ, लेट्स राइट दिस कि हम लोग सेकेंड कंडीशन का ए वाला कर रहे हैं. तो प्रोबेबिलिटी मैं बोल रही हूं कि आपका टी से टी प्लस एच में आपके जीरो इवेंट्स होंगे, मतलब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी एन. ये जो गैप है, ये गैप कैसे मेजर हो रहा है, एच से मेजर हो रहा है.
हमने क्या लिखा था क्वेश्चन में, दैट एन टी फॉलोज पॉइजन लैम्डा टी, हाँ ये मैंने लिखवाया था ऊपर। तो यहां पे आपका ये क्या होगा, एन एच प्रोबेबिलिटी एन एच शुड बी इक्वल टू जीरो, ये निकालना है। तो इफ योर एन टी फॉलोज पॉइजन लैम्डा टी, योर एन एच विल फॉलो व्हाट पॉइजन लैम्डा एच। तो इसको सॉल्व करो और देखो क्या आ रहा है, एन एच इक्वल्स टू जीरो। इसको सॉल्व करो, आई विल जस्ट कम बैक इन अ मिनट, मैं एक नोट्स कॉपी लेके आती हूँ। सिंपल वही है, ये x फॉलोज पॉइ कर देते हैं हम लोग लैम्डा, मेरे से पूछो। देखो हाँ क्या रही है, लैम्डा टू दी पार ई एच आर है सबका माइनस ई एच, बेसिकली क्या होता है पॉइजन प्रोसेस का वो पीडीएफ, हाँ क्या होता है ई टू दी पार लैम्डा टू दी पार एक्स विच इज जीरो, ई टू दी पार माइनस लैम्डा एच,
डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट ई टू दी पावर लैम्डा एच. अब आप लोग पेज नंबर 2 ऑफ टेबल बुक में देखो ई टू दी पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन दे रखा है. ई टू दी पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन कैसे करते हैं? 1 देख के बताओ ना एक बार जल्दी से. ई टू दी पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन है पेज 2 में है, पेज 2 या 3 में है. फिर माइनस, एक सेकंड तुम्हारा ना बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, तुम लोग जाओ मंग. ई टू 1 माइनस एक्स होता है शायद, देखो एक बार, क्योंकि यहां माइनस है ना, उधर ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन दे रखा होगा. ई टू दी पावर एक्स का है ना, तो e टू दी पावर एक्स की जगह पे माइनस एक्स डाल दो, माइनस लैम्डा एच डाल दो. तो e प्लस एक्स है, मैं लिखूंगी हाँ, फिर एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल. तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या करना है, माइनस लैम्डा एच डालोगे ना, जहां जहां एक्स है माइनस लैम्डा एच डालना है. इतना तुम लोग क्यों सोच रहे हैं? ठीक है, ये हो गया. अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा एच प्लस ये आपका हो जाएगा लैम्डा एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल. फिर ये वापस क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. अब मैंने क्या बोला है कि ये जो एच है दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये क्या है, ये सब फंक्शंस ऑफ एच है ना. तो अगर h बहुत छोटा होगा तो ये तो क्लोज टू जीरो होगा. और h टू दी पावर 2, अगर कोई भी बहुत छोटा नंबर रेस टू दी पावर अ वेरी हाई पॉजिटिव नंबर करती हो तो वो जीरो के और क्लोज नहीं चला जाता. फॉर एग्जाम्पल 0.001 टू दी पावर 3 करोगे तो वो और जीरो के क्लोज चला जाएगा. सो ऑल दीज आर वेरी वेरी स्मॉल, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली वी कैन राइट दिस एज 1 माइनस लैम्डा एच प्लस ओ एच. एंड एक चीज और समझ लो, प्लस ओ एच लिखेंगे या माइनस ओ एच लिखेंगे, दीज टू आर इक्वल. क्योंकि ओ एच इज अ वेरी स्मॉल नंबर, उसका एज सच सिग्निफिकेंस नहीं है, तो प्लस लिखो या माइनस लिखो फर्क नहीं पड़ता. सो आर वी गेटिंग दिस व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, आर वी गेटिंग दिस, देख लो ये वाला चीज लिख लेना पेज 2 टेबल बुक का. ये सब चीज लिखने से क्या है, रिवीजन में आ जाता है. क्लियर, नेक्स्ट वाला करें, पार्ट बी देखो. पार्ट बी क्या है, इधर पार्ट बी है एन टी प्लस एच इक्वल टू आर प्लस 1 गिवन एन टी इक्वल्स टू आर. तो अगर मैं वापस से वो डायग्राम बनाऊं, जैसे ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा टी हो गया, ये मेरा टी प्लस एच हो गया. मैं क्या बोल रही हूँ, गिवन एन टी इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला है, R है ना, तो यहां तक कितने इवेंट्स हुए, R इवेंट्स हुए. एंड यहां मैंने कितना बोला टोटल, T प्लस एच तक R प्लस 1, R प्लस 1 इवेंट्स. तो यहां मैंने क्या बोला, इसका मतलब यहां मैं कितना इवेंट चाह रही हूं, 1 इवेंट चाह रही हूं. दिस इज टाइम इंटरवल एच. तो अगेन कैन वी से दैट प्रोबेबिलिटी, यू कैन डू टू थिंग्स जो हमने काउंटिंग प्रोसेस से सीखा है. Either you can write this way, देखो एन टी प्लस एच माइनस एन टी, इसका क्या मतलब है, इवेंट अप टिल टाइम टी प्लस एच माइनस इवेंट, दिस इज इक्वल टू 1, इसका मीनिंग यही हुआ. विच इज ऑल्सो इक्वल टू राइटिंग प्रोबेबिलिटी एन एच इक्वल्स टू 1, मतलब ये एच ड्यूरेशन है ना, बोथ आर इक्वल. अब आप लोग क्या इसको सॉल्व कर सकते हो सेम तरीके से, लैम्डा एच टू दी पावर 1 ई टू दी पावर माइनस लैम्डा एच डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल. इस केस में लैम्डा एच, अगेन ये जो ई टू दी पावर माइनस लैम्डा एच का एक्सपेंशन ऐसे ही होगा, मैं एक्सपेंड नहीं कर रही हूं, मैं सीधा लैम्डा एच कॉमन अगर ले लू, क्योंकि क्या हो रहा है, आप मल्टीप्लाई करो ना अंदर ब्रैकेट में, तो ये सेम चीज ही जा रहा है, 1 माइनस लैम्डा एच प्लस लैम्डा एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस लैम्डा एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, यही जा रहा है.
ब्रैकेट ओपन करने से क्या हो जाएगा, लैम्डा एच माइनस लैम्डा एच स्क्वायर प्लस लैम्डा एच क्यूब टू फैक्टोरियल माइनस लैम्डा एच फोर थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन. अब अगेन यहां पे देखो h टू दी पार्ट टू, मतलब ये बहुत छोटा हो जाएगा दोबारा से, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो फिर, लैम्डा h प्लस ओ एच प्लस माइनस कुछ भी लिखो, हम प्लस एक डिनोट करते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हो. जाके देखो यही था लैम्डा h प्लस ओ एच आ गया. ये मैं सी एस टू में पढ़ाती हूँ, जो आप लोग को इलाबोरेट करके आई एम टीचिंग. द ओनली रीजन ये क्या आ रहा है पेड विथ उमंग एंड लक्ष्य, आप लोग का ये क्या आ रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो आपस में? साथ में पढ़ो क्या बैठ के, क्या हो रहा था ये? बोलो उमंग क्या हो रहा था ये? अब अनम्यूट नहीं करेगा, इतने दिन से अनम्यूट करके परेशान कर रहा था. क्या हुआ बोलो, निकाल दूंगी क्लास से दोनों को. मैम वो टाइल्स पेयर करने का कोई ऑप्शन होता है तो ये सब काम कर रहे हैं क्या तुम, कि तुम पढ़ रहे है कि तुम गूगल मीट समझ रहे है, तुम ये सी एस वन पढ़ रहे कि गूगल मीट पढ़ रहा है, तुम लक्ष्य के साथ पेयर करके क्या करेगा? हाँ उमंग, लक्ष्य तुम क्या करेगा उमंग के साथ पेयर करके, रिक्वेस्ट भेज रहे हो उसको, किसी लड़की के साथ करता तो समझ में भी आता, मतलब हाँ हम कुछ प्रमोट नहीं कर रहे हैं. क्या बोला ये? हम नहीं, हम कुछ सपोर्ट, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीथिंग, प्लीज डोंट इंक्लूड माई नेम इन ऑल दिस, आई एम जस्ट आस्किंग, मतलब ठीक है, बिकॉज आई शुड नॉट हैव सेड इट, जेंडर बायसनेस हो गया अभी, इट्स योर चॉइस, यू कैन लाइक एनी वन, इट्स मतलब कंप्लीट फ्रीडम है, बट ठीक है, मतलब क्लास में मत करो, क्लास की बात करना. ये हो गया. अब थर्ड वाला देखो क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर देन बोल रहे हैं, एन टी प्लस एच ग्रेटर देन आर, तो वापस डायग्राम अगर हम लोग बनाए वो सेम ही है, मतलब आपके आप लोगों को सबको डायग्राम बनाना है. टी तक हम बोल रहे हैं आर है एंड यहाँ पे इट शुड बी ग्रेटर देन आर प्लस वन, तो अगर ग्रेटर देन आर प्लस वन होगा मतलब इस डिस्टेंस में हमें क्या चाहिए, आर नंबर ऑफ क्लेम्स बीइंग ग्रेटर देन वन चाहिए हमें. नाउ इन अ वेरी 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 शॉर्ट टाइम इंटरवल वी यूजुअली से दैट यू कैन नॉट हैव मोर देन वन क्लेम्स या मोर देन वन इवेंट हैपनिंग, बट अगर मेरे को इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करना है, हाउ विल आई प्रूव दिस, कैन आई राइट एन एच ग्रेटर देन वन, और यू कैन ऑल्सो राइट एन टी प्लस एच माइनस एन टी ग्रेटर देन वन, विच इज कैन यू से इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी एन एच इक्वल टू जीरो माइनस प्रोबेबिलिटी एन एच इक्वल्स टू वन, कैन यू से दिस, बिकॉज एन एच क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट, तो ग्रेटर देन वन मतलब क्या, वन माइनस इंटायर प्रोबेबिलिटी माइनस जीरो एंड वन. अब करो वन माइनस जीरो का मैंने क्या ले रखा है, क्या था जीरो का, अबे ये वाला तुम भी पता नहीं, ठीक है देख रहे हैं, वन वन कैंसिल, लैम्डा एच कैंसिल, क्या बच रहा है ओ एच. अब तुम लोग बोलोगे मैम ओ एच कभी, अब देर इज नथिंग कॉल्ड एज माइनस टू ओ एच, यू सिंपली राइट इट एज ओ एच, यू सिंपली राइट इट एज ओ एच. There are some basic properties of OH that you can write if you want to. मतलब syllabus में नहीं है but if you want, क्या लिख सकते हो एक बार देख लो quickly. So OH plus OH या OH minus OH.
is OH. Anything ABC multiplied by OH is OH. Multiply, divide, whatever, any constant. क्योंकि any number very very small close to zero के साथ आप multiply करोगे तो वो zero ही आएगा ना, zero into something. It's like that. तो यहाँ minus minus लिखने को कोई जरूरत नहीं था, ये बहुत ही weird लगता है, absurd लगता है, but समझाने के लिए मैंने लिखा. So it's OH. Again, what we have written proved. ये जो provings है ये मोस्ट प्रोबेबली आता नहीं है एग्जाम में बहुत ज्यादा, बट अगर आप लोग को प्रूविंग्स नहीं पता होंगे तो आप वो प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो ये आपका हो गया, दिस यू ऑल शुड नो. अब इसके बाद ये वाला तीनों क्लियर है. अब मेरा थर्ड प्रॉपर्टी क्या था, अगर एस इज लेस देन टी तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि इवेंट्स happening between S and T is independent of the events happened up till time S. फिर मैंने क्या लिखाया, events happening in non-overlapping time periods are independent of each other. So what are we trying to say यहां पे is that part 3 मतलब 0, S and T. अभी रुक जाओ, अभी देख लो. पहले मैं बोल रही हूं इसके बीच में कोई इवेंट अगर होता है, उस इवेंट का यहां तक क्या हुआ उससे कोई भी लेना देना नहीं है. इज इट समथिंग व्हाट वी ऑलरेडी डिड फॉर एक्सपोनेंशियल मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी प्रूफ किए थे, एक्सपोनेंशियल के लिए भी. दोज हुआ रिवाइजिंग विल रिमेम्बर हमने मेमोरीलेस प्रॉपर्टी प्रूफ किया था नॉन ओवरलैपिंग टाइम पीरियड. क्यों? क्योंकि ये दोनों टाइम पीरियड 0, S एंड ऐसे भी कर सकते हो या S, T, ये जो दो टाइम पीरियड है दीज आर नॉन ओवरलैपिंग, कहीं भी ओवरलैप नहीं, इसलिए मैंने यहां पे ओपन ब्रैकेट एंड यहां पे क्लोज ब्रैकेट बनाया. ठीक है, सो देयर इज नो ओवरलैप इन दीज टू टाइम पीरियड्स एंड दैट इज व्हाई इवेंट्स हैपनिंग इन दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. गॉट इट? देख लो एक बार. ठीक है, अब एक छोटा सा प्रूफ है. एक्चुअली आप लोग जब मैट, अगर जिन लोग रीड करते हैं, बहुत लोग नहीं करते, वो बहुत वियर्डली दिया हुआ है. CS1 में बहुत कम आता है ये चीज, CS2 में मेजरली आता है, बट सिंस इट्स गिवन इन योर मटेरियल आई विल डू इट. जनरली हम लोग नहीं कराते थे क्लास में ये प्रूफ, बट अगेन अगर हम सब कुछ कवर करें वी शुड कवर दिस ऑल्सो. तो इसको मैं अपने तरीके से सॉल्व करवा रही हूँ अपने नोट्स कॉपी से, तो आप लोग ये लिख लो. बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि काउंटिंग प्रोसेस है, तो ये नॉन डिक्रीजिंग है, मतलब जीरो इवेंट्स हो रहे हैं, फिर वन इवेंट, फिर टू इवेंट. टू से आप जीरो पे नहीं आ सकते, नॉन डिक्रीजिंग इवेंट्स है. तो हमने क्या डिफाइन किया है, हमने प्रूफ लिख दो ऐसे ही, हमने इसको ऐसे डिफाइन किया है, हमने बोला है दैट एनटी फॉलोज पॉइजन लैम्डा टी सो लेट डिफाइन पी एन टी स्मॉल एन है ये इक्वल्स टू ये डेफिनेशन है कि टाइम टी तक देर आर स्मॉल एन इवेंट्स हैपनिंग. सो ये जो एक टर्मिनोलॉजी है ये हमने डिफाइन करा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स स्मॉल एन इवेंट्स हैपनिंग अप टिल टाइम टी probability of small n events happening up till time t. ये मैंने define किया. ठीक है, ये हमने define कर लिया. अब इसके बाद ये क्या होगा, अच्छा इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं. सो वॉट इज योर पी एन टी वेन यू सॉल्व इट, इट्स अ प्रोबेबिलिटी राइट, हाउ विल यू सॉल्व इट. ई टू दी पावर माइनस लैमडा टी टू दी पावर एन बाय एन फैक्टोरियल. Yes or no? ठीक है ना. सिमिलरली इफ आई डिफाइन, लेट्स सपोज इफ आई डिफाइन पी, या आप लोग लिखोगे
एन टी प्लस एच. दिस इज व्हाट क्या होगा ये प्रोबेबिलिटी एन टी प्लस एच इक्वल्स टू एन हुआ. ये सेम नोटेशंस जिस दैट टाइम के जगह टी प्लस एच कर दिया है हमने. देख लो अब इसमें थोड़ा मैं ट्विस्ट करूंगी इसको. इसमें क्या क्या तरीके से ऐसा आ सकता है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं टी प्लस एच तक हम बोल रहे हैं टोटल एन इवेंट्स. तो इसको थोड़ा मैं ट्विस्ट करूंगी. इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी एन टी इक्वल्स एन एंड एन टी प्लस एच इक्वल्स टू एन. इसका क्या मतलब है टी प्लस, इसका मतलब है एच ड्यूरेशन में जीरो इवेंट्स, मतलब टी तक ही एन इवेंट्स हो गए थे. ये एक पॉसिबिलिटी है. प्लस और क्या क्या प्रोसेस, जितने पॉसिबिलिटीज है सबको एड अप करेंगे ना. इफ यू आर कैलकुलेटिंग अ प्रोबेबिलिटी, लेट्स सपोज आई थ्रो अ डाई, टू डाइस, इफ आई थ्रो टू डाइस टूगेदर वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट अ 36. एक ही है वैसे तो, कि 6-6 दोनों में आना पड़ेगा. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट लेट्स सपोज 11. तो यू विल सी ना वॉट आर द पॉसिबिलिटीज 11 आने का, ठीक है. और वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 10, क्या क्या 5-5 आ रहे हैं, 4-6, 6-4, वैसे हम लोग करते हैं एड करते जाएंगे. तो वही चीज हम लोग यहां कर रहे हैं कि एन टी इक्वल्स टू एन, यहीं तक आपका हो चुका है एन इवेंट्स, तो वहां पे भी जीरो इवेंट्स, बेसिकली यहां आपके जीरो इवेंट्स, यहां ये, इसका ही मीनिंग हुआ. एक और अगर मैं बोलूं वो हो सकता है एन टी हो गया एन माइनस वन एंड एन टी प्लस एच हो गया आपका एन टी प्लस एच हो गया आपका एन टी प्लस वन. ये लिखने का थोड़ा तरीका मैंने ट्विस्ट किया है. एन टी प्लस वन क्यों लिखा है, एन टी क्या है, एन माइनस वन है, एन माइनस वन प्लस वन तो एन हो गया, ठीक है. इन सबका अगर हम प्रोबेबिलिटीज निकाले, क्योंकि हमने क्या बोला है दीज आर द इवेंट्स विच आर नॉन ओवरलैपिंग, तो हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं. देखो आई कैन राइट दिस एज पी एन टी. पी एन टी कैसे डिफाइन कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन टी इक्वल्स एन, इवेंट्स हो गए हैं एंड अंदर में आप बोल रहे हो जीरो टी प्लस एच, मतलब एच में जीरो इवेंट्स, तो ये वाला प्रोबेबिलिटी बेसिकली, ये वाला वन माइनस लैम्डा एच वाला, ठीक है ना, क्लियर हो रहे हैं. वन माइनस लैम्डा एच प्लस ओ एच प्लस यहां मैं क्या बोल रही हूं एन माइनस वन टी, मतलब प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी एन टी इक्वल्स एन माइनस वन है ना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. तो बाकी वन चाहिए मेरे को अब, तो वो जो सेकेंड वाला प्रोबेबिलिटी था वो क्या था, लैम्डा एच प्लस ओ एच था. अब एक बार ध्यान देना, मैं इसको करूंगी नहीं सॉल्व. ओ एच इंटू दिस इज ओ एच, ओ एच इंटू दिस इज ओ एच, तो ओ एच ओ एच टर्म साथ में लिख लेंगे. बाकी टर्म्स एक बार सुन लो फिर लिखना, सुनोगे तो बेटर रहेगा आप लोग के लिए. तो कैन आई राइट दिस एज वन माइनस लैम्डा एच प्लस
करेंगे, रुक जाओ, अभी जरूरत नहीं है वो सबका। क्लियर है यहाँ तक? एक बार सब लोग थम्स अप दे दो। हाँ बोलो। यस नो ओके देन ओनली आई कैन मूव अहेड राइट इफ यू ऑल आर एबल टू गेट दिस। रुक जाओ, एग्जाम्पल क्या नहीं पा, इसमें एग्जाम्पल नहीं दे सकेंगे, बट कौन सा पार्ट नहीं समझ में वो मैं समझा दूंगी। एग्जैक्टली अभी एग्जाम्पल इस पॉइंट पर नहीं दूंगी मैं। ये देखो कौन सा टर्म, ये टर्म सेक, ये ना दिस इज बेसिकली आपके एन इवेंट्स हुए हैं टी प्लस एच तक, ये मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी इधर, प्रोबेबिलिटी कि आपका जीरो से टी प्लस एच तक एन इवेंट्स हुए हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसीलिए लिखा है ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है टर्मिनोलॉजी यूज करने का। एंड आपके मटेरियल का टर्मिनोलॉजी मैं यूज कर रही हूँ, हम जब CS2 में पढ़ते हैं हम थोड़ा डिफरेंटली पढ़ते हैं इसका टर्म्स, बट यहाँ सिंस आपके मटेरियल में ऐसे तो मैंने जानबूझ के ऐसा टर्म ले रखा है। सेकेंड लास्ट पॉइंट, सेकेंड लास्ट ये वाला पॉइंट, इसका क्या मतलब है समझो। सो वॉट आई एम ट्राइंग टू डू इज, इसको मैंने इसका फर्स्ट वाले को अगर हम लोग समझे, दिस बाय दिस यू मीन कि टाइम टी तक आपके एन इवेंट्स हो गए हैं, तो टी प्लस एच तक आपके जीरो इवेंट्स होंगे, तब जाके आपके यहाँ पे एन इवेंट्स है। तो इसका प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकाल सकते हो, दोनों एंड लिखा है मैंने, कंडीशनल नहीं है, ठीक है, एंड लिखा है मैंने। तो आप लोग क्या कर रहे हो, पहले तो आप लोग लिख रहे हो प्रोबेबिलिटी एन टी इक्वल्स एन, मतलब यहां आपके एन इवेंट्स हो चुके हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई इट विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एच इक्वल्स टू जीरो। नाउ दिस कैन बी रिटन एज पी एन टी बिकॉज दैट इज हाउ वी हैव डिफाइंड इट। यस वेदांशी एंड आंचल, एंड ये वाला का हमने ऊपर में ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी मतलब निकाल लिया था, विच इज दिस सेम वी आर डूइंग इट फॉर दिस। यहां हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग बोल रहे हो यहां तक जीरो से टी तक आपके एन माइनस वन इवेंट्स है, तो टी प्लस एच में यू नीड वन इवेंट, तो पी एन माइनस वन टी मतलब ये वाला चीज एन टी इक्वल्स एन माइनस वन लिखना है, एंड एन एच इक्वल्स टू वन लिखना है, और एन एच इक्वल्स टू वन का ये वाला था एक्सपेंशन, वही मैंने किया। क्लियर है अब, ठीक है यहां तक। अब अगर आप लोगों को बोला जाए आप लोगों को बोला जाए टू सॉल्व डी डी टी पी जीरो टी, मतलब यू आर बेसिकली डिफ्रेंशिएटिंग प्रोबेबिलिटी टाइम टी तक जीरो इवेंट्स होंगे। हैव यू गाइज डन डिफ्रेंसिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स इन योर स्कूल? किया आप लोगों ने, इफ यू ऑल रिमेम्बर आप लोगों ने कुछ ये किया है, डी डी टी एफ एक्स, इसको आप ऐसे लिखते थे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, वेर योर एच इज अ वेरी स्मॉल नंबर टेंडिंग टू जीरो। जिनको नहीं याद है वो ये लिख लो, दिस वॉज योर फर्स्ट प्रिंसिपल्स। डिफ्रेंसिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, हम लोग सेम चीज यहां अप्लाई करेंगे, लिमिट पहले देख लो फिर लिखना। अब यहां पे देखो ये फंक्शन था एफ एक्स, आप एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच लिख रहे हो, ये आपका फंक्शन है, और ये आपके किसके टर्म्स में, ये आपके किसके टर्म्स में, अरे यार उमंग तुम क्लास से प्लीज निकल जाओ, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है ऐसे,
तुम बार बार अनम्यूट कर रहे बिना मतलब का, एंड बैकग्राउंड नॉइज है बहुत। एकदम व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग एनीथिंग दिस इज हैपनिंग। नेक्स्ट टाइम इफ इट हैपेंस आई विल जस्ट रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। तो ये क्या है डीडीटी? अब यहां तुम लोग कैसे इसको एक्सपैंड करोगे बताओ? तुम लोग किसकी जगह पे एक्स प्लस एच करोगे? एच प्लस एच कहाँ आएगा? टी की जगह पे आएगा, क्योंकि एक्चुअली ये ना मैंने गलत लिख दिया एक चीज, ये डी एक्स होगा, सॉरी डी एक्स होगा, डी टी लिख दिया मैंने भूल से, ठीक है उसको ठीक कर लेना प्लीज, डी एक्स होगा। तो एक्स के टर्म्स में तो यहां हम लोग का हो जाएगा पी जीरो टी प्लस एच माइनस पी टी डिवाइडेड बाय एच। येस और नो? अब हम लोग जीरो नहीं लेंगे बिकॉज हमने किस तरीके से डील करा है, यहाँ पे भी एक जीरो है, हमने पी एन टी के टर्म्स में करा है, सो लेट्स डू इट इन टर्म्स ऑफ पी एन टी किसी को ये पार्ट नहीं क्लियर है तो पहले पूछ लो, फिर मैं इसको एक्सपैंड करूंगी। अब देखो पी एन टी प्लस एच इज दिस, जो हमने ये पूरा बड़ा सारा लिख रखा है, तो ये डालो इधर। अच्छा ओ एच आप लोग हटा सकते हो। पी एन टी स्ट्रेट अवे पी एन टी को कुछ एक्सपैंड नहीं करेंगे, वैसे ही लिखेंगे। क्या आ रहा है? एक पी एन टी कैंसिल आउट हो रहा है। क्या बच रहा है फिर? ये वाला देखो माइनस लैम्डा एच पी एन टी, प्लस लैम्डा एच पी एन माइनस वन टी, प्लस अगर हम लोग इसको खोल दें, अगर हम इसको खोल दें तो देखो कैसे होगा, ये बस सुन लो, मैं डायरेक्टली लिखूंगी। एच एच मतलब तीनों चीज को खोल दो तो ये एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा और ये लिमिट्स के बाहर आ जाएगा, सो इट विल बी माइनस लैम्डा पी एन टी प्लस लैम्डा पी एन माइनस वन टी, और ये वाला खाली बचेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, विच इज वॉट? ऊपर क्या लिखा है? ओ एच बाय ओ एच एच जीरो जीरो, जाके देखो ढंग से जाके देखो, बोलो जीरो लिखवाया ना, क्या बोल रहे तुम लोग? ये वाला पार्ट जीरो होगा,
ठीक है. अब ये सेम थिंग इफ आई नीड टू डू फॉर दिस. तो इसको मैं डायरेक्टली अब लिखूंगी. जस्ट सब्स्टिट्यूट एन के जगह पे जीरो. जस्ट सब्स्टिट्यूट तो क्या हो जाएगा, एक बार देख लो. मैं लिख रही हूं, फिर आप लोगों को टाइम दूंगी लिखने का. माइनस लैम्डा पी जीरो टी. ध्यान से सुनो. माइनस प्लस लैम्डा जीरो माइनस वन टी. इज इट पॉसिबल? कैन यू हैव माइनस वन इवेंट्स? कैन यू हैव माइनस वन इवेंट्स एट टाइम टी? सो दैट बिकम्स जीरो. तो खाली ये बचा. सिंस पी माइनस वन टी इज जीरो, ये लिख लेना. ठीक है, दैट इज वॉट यू नीड टू जस्ट प्रूव. ठीक है, एक बार देख लो, एक बार यस लिख दो. एक लास्ट टॉपिक करेंगे पॉइजन प्रोसेस के अंदर. क्लियर? तुम लोग को क्लियर है? लक्ष्य ने यस फुल स्टॉप ऐसे करके लिखा है. वेदांशी, शैशा, आंचल, मान्या, राजवी, उमंग, सबका यस आएगा तभी आगे बढ़ेंगे. लिखो, वेटिंग टाइम बिटवीन इवेंट्स इन अ पॉइजन प्रोसेस. वेटिंग टाइम ये क्या है? ये हमने किया था, याद है? मैंने बोला था अगर अराइवल इज poison, then waiting time becomes exponential. इसका ना सब लोग पता है, एट अ वेरी हाई लेवल ऑल्सो आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका डेफिनेशन कैसे है. जैसे हम लोग इसको T1 T2 करके डिफाइन करते हैं. ये मैं यहां इवेंट्स लिख रही हूं, ठीक है, ऐसा कि जीरो इवेंट, वन इवेंट, टू इवेंट्स, मतलब ये सेकंड इवेंट, ये थर्ड इवेंट. तो आप लोग क्या बोल रहे हो? आप लोग बोल रहे हो कि एक एक करके इवेंट्स हो रहे हैं. तो वी डिफाइन दिस एज T1. दिस इज बेसिकली व्हाट योर T1 इज. व्हाट T1 इज डिफाइंड एज द टाइम to the first event. T2 is actually this, not zero say. So T2 is the waiting time to second event, which is also can be written as waiting time between
योर जो तुम बोल रहा था फर्स्ट एंड सेकेंड इवेंट. अब यूजुअली आई हैव सीन स्टूडेंट्स गेटिंग कंफ्यूज्ड. T2 को वो डिफाइन करते हैं जीरो एंड सेकेंड, मतलब तुम्हारा सेकेंड जीरो से टू के बीच में, विच इज रॉन्ग. T2 इज अ इंटर इवेंट, आप लोग ऐसे लिख सकते हो, इंटर इवेंट टाइम. इसको लिख लो, एक बार डिफाइन कर लो, वट एवर योर T4 विल बी. इसको हम लोग वेटिंग टाइम के बदले होल्डिंग टाइम भी बोलते हैं. एंड वॉट डू वी से दैट द इफ वी से दैट एक्स फॉलोज एक्स इज द अराइवल या फिर एन टी फॉलोज पॉइजन लैम्डा टी, योर वेटिंग टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लिखना, वेटिंग टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इवेंट्स इज डिफाइंड एज एक्सपोनेंशियल लैम्डा. वेटिंग टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इवेंट्स इज डिफाइंड एज एक्सपोनेंशियल लैम्डा. सो अगर दो तीन ऐसे ही हम लोग रैंडमली ट्राई करें लिखने, अच्छा लिख लो इसको पहले, चलो. ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं लिख रही हूं इसका क्या मतलब है, पता है? डिफाइन कर सकते हैं कोई इसको? इसका मीनिंग बताओ हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी. करेक्ट, मतलब दिस टाइम टी, ये जो आपका पूरा T1 है, दिस T1 इज ग्रेटर देन टी, मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि टाइम टी तक आपका फर्स्ट इवेंट हुआ ही नहीं है. योर T1 इज समवेयर वे अहेड ऑफ इट. T1 इज ग्रेटर देन, मतलब आपका इवेंट यहां पे हुआ ही नहीं है. फर्स्ट इवेंट इधर होगा जो आपका टी से बड़ा है. तो क्या इसको, इसका प्रोबेबिलिटी अगर निकालना पड़े तो इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालें? एक बार डिफाइन कर दो, इसमें लिखो दिस इज द प्रोबेबिलिटी. आई लिख दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो इवेंट्स अकर बिटवीन टाइम जीरो एंड टाइम टी. This is the probability that no events occur between time 0 and time small t. Hence, can you also write this as probability nt equals 0? Nt kya tha? Number of events up till time t, which is 0. Hua hi nahi na? Kyunki first event hi aapka yahan ho raha hai. Aur ye kaise nikalte the? If we say that nt follows, क्या हो जाएगा? लैम्डा टी टू दी पार जीरो ई टू दी पार माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाय जीरो फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट ऑल्सो वेन आई वॉज सेइंग वेटिंग टाइम विच इज योर टी फॉलोज एक्सपोनेंशियल लैम्डा बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इवेंट्स. And then I am asking you to find this. आप लोग को याद है this is what 1 minus probability T1 less than equal to T. CDF याद है? 1 minus e to the power minus lambda T which is equal to e to the power minus lambda T. देख लो.
ये इतना इंटरेस्टिंग है, कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए जब एक बार में पढ़ते हैं. दैट इज आई एम गोइंग एक्सट्रीमली स्लो, बट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये. ये तुम लोग का ये जो वेटिंग टाइम वाला कॉन्सेप्ट है यूज होगा CM2 में. तो जो पूछ रहे थे ना एप्लीकेशन मैम बताइए, वो मैं अभी बता मतलब कैसे समझाऊंगी, वो करके आप लोग जब एक्सेल में करोगे. रूइन थ्योरी में है एक चैप्टर है जिसमें आपका ये पूरा यूज होता है वेटिंग टाइम वाला. और ऊपर में जो पॉइजन प्रोसेस का जो हमने वो सारा किया वो हम यूज करते हैं CS2 में. CS1 इज द बेस फॉर ऑल द पेपर्स, ऑल एक्चुअल पेपर्स नीड्स CS1 नॉलेज, चाहे आप कोई भी पेपर दे लो. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और लिखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ T2 गिवन वैल्यू ऑफ T1. इसका मीनिंग क्या है? ऑब्वियसली अगर आप T2 निकालने जा रहे हो तो आपको तो T1 पता होना चाहिए ना कि फर्स्ट इवेंट कब अकर हो गया, तो फर्स्ट और सेकेंड इवेंट के बीच कब आप टाइम निकाल रहे हो, दैट इज योर T1. मतलब कि आप निकाल रहे हो कि सेकेंड इवेंट, आप T2 का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाह रहे हो गिवन T1. आप T2 का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हो गिवन T1. अगर आप T2 निकाल रहे हो मतलब T1 हो चुका है ना, तभी तो आप T2 बैठ के निकाल रहे हो. तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी अगेन T2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इट्स लाइक अ CDF दैट यू आर टेकिंग आउट, गिवन T1 हो चुका है. एंड अगेन लेट मी जस्ट राइट दिस एज इक्वल टू S. What does this S? What do you mean by this? You mean by this is zero. First event, अगर मैं यहाँ पे events के terms में लिखूँ, and यहाँ पे आपका let's suppose any of your second event happening, तो 0 to 1 मतलब first event आपका S duration में हो चुका है ना, और ये अब मुझे निकालना है which is T2. That is what we are saying. इसका प्रूफ कैसे करते हैं, कैन वी से दैट T1 प्लस T2, इसका क्या मीनिंग हुआ, ये पूरा T1 प्लस T2 है. कैन वी से दैट दिस इज ग्रेटर, क्योंकि मैंने ग्रेटर लिखा है, इज ग्रेटर देन T प्लस S. अरे ये टाइम आपका S हुआ ना, ये टाइम आपका S है, और ये टाइम मैं बोल रही हूं शुड बी ग्रेटर देन T. क्वेश्चन में तो ये मांग रहे हैं, तो इफ T2 शुड बी ग्रेटर देन T, देन T1 प्लस T2. T1 इज वॉट, आप एड कर रहे हो, लेट्स सपोज आप दोनों तरफ कुछ एड कर रहे हो, T1 इज वॉट, S ओनली. आप दोनों तरफ T1 एड कर रहे हो, एक जगह वैल्यू ले रहे हो उसका S, हाँ कि ना. अरे तुम लोग दिखाओ भाई थम्स अप, तुम लोग कैमरा भी नहीं ऑन करते हो, आजकल हम लोग बोलते भी नहीं कैमरा ऑन करने, कैसे समझ में. फिर तुम लोग लिखोगे कि मैम ने फास्ट करा दिया, फिर सर का क्लास होगा तो सर को बोलोगे मैम का समझ में नहीं आया, फिर मेरा क्लास होगा मेरे को बोलोगे सर का नहीं समझ आया. हाँ ऐसे होता है, क्योंकि हम लोग क्या, व्हाई डू आई टीच दिस टॉपिक, बिकॉज आई टीच इन CS2, तो मेरा ये टॉपिक का मतलब बहुत स्ट्रांग बेस है, तो हम लोग ऑब्वियसली ऐसे सब स्ट्रेंथ्स अपना ले लेते हैं कि जो मेरा अच्छा टॉपिक होगा GLM ये सब में मेरा बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, तो मैं वो पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं मशीन लर्निंग पढ़ाती हूँ CS2 में. क्या होगा उसमें आएंगे, मैंने बोला ये तुम लोगों ने किया होगा, तो हाँ हाँ तो मेरे को बोलेंगे कि ये ना हम, मैंने बोला तुम लोगों ने किया होगा ये टॉपिक, तो बोलते हैं समझ नहीं आया था, एक दो बच्चे होंगे ऐसे बनमाश, तो सर ने कराया होगा, पहले तो कुछ तो बोलेंगे सर ने कराया नहीं, नोट्स में है दिख रहा है, नोट्स कॉपी में अनोवा या कुछ बना हुआ है टेबल, सर ने कराया नहीं. और कुछ होंगे समझ में नहीं आया था उस समय, सर ना फास्ट करा दिए, या फिर मेरा जैसे मैंने ही तुम लोगों को करा दिए डिस्ट्रीब्यूशन, अब तुम लोग सर की क्लास में जाओगे मैम ने नहीं कराया, होंगे पक्का एक दो, या फिर बोलेंगे समझ नहीं आया था मैम ने फास्ट करा दिया, तो अभी नहीं पूछेंगे, वहां जाके बोलेंगे जानबूझ के. ये सब आदत ये हम लोग भी करते थे ऑब्वियसली, बट तुम लोग ये सब मत करना. ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है, इन टर्म्स ऑफ यू राइट इन
नॉर्मल पॉइजन प्रोसेस के अगर हम लोग NTNS यूज करें तो उस फॉर्मेट में क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना NT+S क्या हुआ इसका मीनिंग, ये हुआ ना T+S, टाइम T+S में आपके एटलीस्ट वन इवेंट ही हो रहा है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं ये जो सेकेंड इवेंट ये हुआ नहीं है, ये होगा, बट यहां तक कितना इवेंट्स हो चुका है टी तक, मैं क्या बोल रही हूं टाइम टू द सेकेंड इवेंट इज ग्रेटर देन टी, टाइम टू द सेकेंड इवेंट इज ग्रेटर देन टी दिस टू, तो टी तक मतलब ये आपका लेट्स सपोज अगर मैं वापस एक डायग्राम इसे मैं जानबूझ के बना रही हूं ताकि आप लोग को इजी रहे, यहां फर्स्ट इवेंट हुआ है एस टाइम में, ये मैंने जो लिखा, एंड टाइम टी तक अभी भी सेकेंड इवेंट हुआ नहीं है, है ना, तो ये जो आपका टाइम पीरियड है एस प्लस टी, तो यहां तक तो एक ही इवेंट हुआ है, योर टी टू इज समवेयर आगे, योर टी टू इज समवेयर आगे जहां आपका सेकेंड इवेंट होगा, टी टू ग्रेटर देन टी बोला मैंने, सो दैट इज वाई दिस गिवन एन एस ऑल्सो इक्वल्स वन, क्योंकि एस तक तो हो ही चुका है वन इवेंट, योर टाइम एस तक तो आपका हो चुका है ना वन इवेंट, कैन यू ऑल्सो राइट दिस एज प्रोबेबिलिटी एन टी प्लस एस माइनस एन एस इक्वल्स टू जीरो गिवन एन एस इक्वल्स टू वन, दोनों तरफ माइनस एन एस कर दिया, एन एस इज वन उसका वैल्यू, अब इसके नीचे एक लाइन लिखो इधर पे फिर आगे करेंगे, एक लाइन इधर लिखो, नंबर ऑफ इवेंट्स इन द टाइम इंटरवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ इवेंट्स S up to start of the time interval basically जो third condition हमने लिखा था ऊपर poison process में क्या लिखा था मैंने कि n t minus ns is independent of events happened till time s, events between t and s is independent of the event happened till s, तो यहां पे भी क्या बोल सकते हैं number of events happening between t minus s, ये वाला t s ये जो lag है is independent of the events happened till s, number of the events happened between ये जो पूरा time interval है ये क्या है, ये time interval ना आपका t है, सो दिस इवेंट्स हैपनिंग एट दिस, ये जो तभी मैंने यहां पे ऐसे लिखा है टी प्लस एस माइनस एस लिखा था ना, बिकॉज ये टाइम एस प्लस टी है बट ये इंटरवल तो टी है और ये इंटरवल एस है, तो जीरो से एस तो ये आपका एस ही हुआ ना, ये जो रुको मैं दूसरे कलर से लिख देती हूं, ये आपका एस है और ये आपका एस प्लस टी है, तो ये जो टी में आपका इवेंट्स होगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट्स हैपेंड अप टिल टाइम एस, सो बेसिकली दिस देन ये वाला जो पूरा फंक्शन है इज नथिंग बट इक्वल टू एन टी प्लस एस माइनस एन एस इक्वल्स टू जीरो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने क्या सीखा है अरे क्या हो गया ये, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इफ बोथ आर इंडिपेंडेंट इज इक्वल टू ए, क्योंकि अगर इसका बड़ा वाला वर्जन करें ए इंटरसेक्शन बी बाय
बी, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स का इंटरसेक्शन ये होता है, सेम थिंग। तो ये आ गया अब। कैन यू ऑल्सो राइट दिस एज प्रोबेबिलिटी एन टी इक्वल्स 0? हमने क्या किया था, एन टी प्लस एच माइनस एन टी इज इक्वल टू एन एच। हमने क्या लिखा था, एन टी प्लस एच माइनस एन टी इज एन एच। मैंने ऊपर में 2 बार लिखा है, यहां पे लिखा था मैंने कहीं, ये वाला जब मैं समझा रही थी कुछ आप लोगों को, यहां पे देखो यहां पे लिखा था मैंने। हाँ बता रहे, मैसेज कर दे रहे आपको, यहां लिखा था, कहाँ गया? ओहो, समवेयर आई रोट इफ यू ऑल रिमेम्बर। क्लियर? तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ एच कहाँ से आ रहा है दर? ये चीज क्लियर है? तो विच इज इक्वल टू व्हाट, एन टी फॉलोज पॉइजन लैम्डा टी, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस, क्योंकि लैम्डा टी टू द पावर 0 एंड 0 फैक्टोरियल हट जाएगा। लिखो हेंस, यहाँ पे लिखो फिर आगे बढ़ना, ये छोड़ा स्पेस छोड़ दो इधर। हेंस टी टू हैज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमने देखो स्टार्ट क्या किया था, एक बार देख लेना हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, प्रोबेबिलिटी टी टू ग्रेटर देन टी, और हम आ कहाँ गए, इधर आ गए। हमने स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी टी टू ग्रेटर देन टी गिवन टी वन इक्वल्स टू एस, और हम आ गए इधर। तो इसीलिए हेंस हेंस टी टू हैज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्डा एंड टी टू इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी वन, क्योंकि टी वन का कहीं यूज ही नहीं किया हमने, और हमने देखा था ना टी वन ऑल्सो फॉलोज एक्सपोनेंशियल लैम्डा। सेम यू कैन डू फॉर टी टू टी थ्री थ्री फोर टी, ऑल वेटिंग टाइम बिटवीन द इवेंट्स विल फॉलो एक्सपोनेंशियल लैम्डा। ये प्रूव हुआ कि नहीं, टी वन टी टू इज वॉट, टी वन टी टू इज द वेटिंग टाइम ना, टी वन के लिए प्रूव कर दिया हमने इधर एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, टी टू के लिए प्रूव कर दिया एक्सपोनेंशियल लैम्डा। सेम टी थ्री के लिए भी आप कर सकते हो, टी फोर के लिए भी आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, फिर हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक बार गैप देके लिख लो फिर मैं ये। इफ क्लेम्स फॉलो, इफ द क्लेम्स कम एट अ रेट ऑफ, इफ क्लेम्स कम एट अ रेट ऑफ 5 पर डे, इफ क्लेम्स कम एट अ रेट ऑफ 5 पर डे, एंड ये 24 आवर कॉल सेंटर है, ठीक है, मतलब ये हॉटलाइन है। कैलक्यूलेट द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला वाला, इफ क्लेम्स कम एट अ रेट ऑफ 5 पर डे, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 2 क्लेम्स रिपोर्टेड ऑन एनी गिवन डे, फ्यूअर देन 2 क्लेम्स आर रिपोर्टेड ऑन एनी गिवन डे। सेकेंड वाला लिखो, द टाइम अंटिल द नेक्स्ट रिपोर्टेड क्लेम, द टाइम अंटिल द नेक्स्ट रिपोर्टेड क्लेम इज लेस देन एन आवर, इज लेस देन एन आवर।
चलो इसको कर लो क्वेश्चन को, पूरा चीज आपका सॉल्व हो जाएगा. Understand the question. You should just leave it.
ना मुझे इंसान को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, इसीलिए यही सब काम होता है। दो दिन में वो खत्म। तुम लोग भी सीख जाओ थोड़ा सब कुछ खुद से करना। बोलो पहला वाला क्या आ रहा है आंसर? नहीं रुको, क्वेश्चन इज फ्यूअर देन टू क्लेम्स। तो फ्यूअर देन टू क्लेम्स का मतलब है प्रोबेबिलिटी, हम बोल रहे हैं कि एक्स फॉलोज पॉइजन पर डे, और ये मैं पर डे का बोल रही हूँ ना, तो एक्स ही रहेगा, एक्स लेस देन टू। एक्स लेस देन टू का मतलब है कि ये, हाँ वैसे भी लिख सकते हो, इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है।
0.0404। सेकेंड वाला क्या है? द टाइम, या फिर तुम लोग वो देख सकते हो टेबल बुक में, प्रोबेबिलिटी था ना ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन, जहां पे लैम्डा इज इक्वल टू फाइव है, तो वो देख के भी निकाल सकते हो। दूसरा क्या है? द टाइम अंटिल द नेक्स्ट रिपोर्टेड क्लेम इज लेस देन एन आवर। द टाइम अंटिल द नेक्स्ट रिपोर्टेड क्लेम इज लेस देन एन आवर। तो नेक्स्ट, अब वो कुछ भी हो तुम्हारे सेकेंड एंड थर्ड क्लेम के बीच, फर्स्ट, इन लोग पता है कंफ्यूज करने के लिए बोल देंगे द टाइम बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड क्लेम, ये कंफ्यूजन ऐड करने के लिए होता है खाली। तो हम लोग को क्या करना है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि वेटिंग टाइम चाहे वो सेकेंड थर्ड के बीच में, फोर्थ फिफ्थ के बीच में, कभी भी हो, विल फॉलो एक्सपोनेंशियल लैम्डा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो? एंड यहाँ पे क्या बोले, लेस देन एन आवर बोला है, हमने पर डे बेसिस पे किया है, तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट वाई फॉलोज, वाई इज द नंबर ऑफ क्लेम्स इन वन आवर, लेट वाई, तुम लोग डिफाइन कर देना, लेट वाई बी द नंबर ऑफ क्लेम्स इन वन आवर, तो वाई फॉलोज पॉइजन 5/24 हो जाएगा। तो हमारा वेटिंग टाइम टी विल फॉलो एक्सपोनेंशियल 5/24। हम लोग को चाहिए लेस देन एन आवर, मतलब वाई लेस देन वन चाहिए, और हमने देखा है 1 - e^(-5/24)(1e^-λt) होता है, इसको सॉल्व करो, 0.188 देख लो। ठीक है, डन। अगेन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी टेबल बुक में नहीं, इसका टेबल बुक में नहीं दे रखा, एक्सपोनेंशियल का क्या करेंगे देखिए, सब तो पता ही है। अब इसके बाद जो टॉपिक करेंगे दैट इज मोंटे कार्लो सिमुलेशन, 2 मिनट्स का ब्रेक लेंगे।